जय मोरल साथियों, आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार से हम MTG को एक्सचेंज के द्वारा स्टेकिंग करेंगे और किस प्रकार से अपने वॉलेट में ऐड करेंगे, कंपनी के वॉलेट में ऐड करेंगे और किस प्रकार से किए हुए वॉलेट में ऐड करने के बाद उसको स्टेकिंग पे लगा पाएंगे। जैसे 15 महीना, 30 महीने, 45 या 60, जिस भी प्लान में आपको लगाना है वो किस प्रकार से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक्सचेंज पे जाके अपने MTG को खरीद लेंगे। खरीदने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गूगल क्रोम को एक्सेस करना है अपने फ़ोन पे। ये हमने एक्सेस किया और यहाँ पे हमको MTG गोल्ड की वेबसाइट को ओपन करना है। ऊपर टाइप करेंगे MTGGold.com तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस प्रकार से। और इसमें ऊपर की तरफ राइट साइड में जो तीन लाइनें आ रही हैं, यहाँ पे जाना है हमको। यहाँ पे जाने के बाद हमको लॉगिन पे जाना है। नीचे सबसे नीचे लॉगिन आ रहा है, लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपके पास में लॉगिन पेज आ जाएगा, यानी जो आपको ID पासवर्ड आपके द्वारा प्राप्त है, चाहे वो विनर प्लान का हो चाहे आपके एक्सेल प्लान का हो, उसी यूजर ID पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मैं एक डेमो अकाउंट है मेरे पास, जिससे को मैं आपको एक्सेस करके दिखा रहा हूँ खाली भी, कि हमने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये हमारा लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से विंडो आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर आ रहा है मोबाइल नंबर और लेग वन, जिसमें लेफ्ट और राइट यहाँ पर दो लेग दिए हुए हैं, देख सकते हैं। और सेंड रेफरल लिंक, इस लिंक के क्या फ़ायदा है, इससे आपको फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई ऐसा मेंबर है जिसको आप अपनी डाउनलाइन में जोड़ना चाहते हैं, तो आप उसके फ़ोन नंबर को यहाँ पर डालेंगे और उसको लेफ्ट या राइट जहाँ पर जोड़ना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और सेंड रेफरल लिंक पर क्लिक कर देंगे, तो उनको एक रेफरल लिंक चला जाएगा जिस लिंक पर वो क्लिक करके सीधे आपकी डाउनलाइन में मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ID को उनकी ज्वाइन करा सकते हैं अपने डायरेक्ट लेफ्ट या राइट में वाया रेफरल लिंक। तो ये तो हो गई रेफरल लिंक की बात। दूसरा हमको जानना था किस प्रकार से हम इसको वॉलेट में ऐड करेंगे और किस प्रकार से स्टेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉलेट में कैसे ऐड करेंगे। अब हम ऊपर मेन्यू पर क्लिक करेंगे, जो लाइनें आ रही हैं ऊपर। यहाँ पर आने के बाद हम MTG डिजिटल एसेट अर्निंग पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया हमने, अब हमको यहाँ पर ऐड MTG वॉलेट बैलेंस पर क्लिक करना है। एड MTG वॉलेट बैलेंस ओपन करने के बाद आपके पास में इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी, जैसा कि अभी दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ऊपर देखिए यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आ रहा है। सेंड में जितने कॉइन आपने कॉइन बाजार से भेजे हैं उसको डालना है। नीचे एक एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को हमको कॉपी करना है और इसी एड्रेस पर हमको कॉइन को भेजना है। हम इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद भेजने के बाद जो ट्रांजेक्शन ID हमको प्राप्त होगी, हमको वो ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर डालनी है। साथ में चूज फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट लगाना है जो आप कॉइन बाजार से भेजेंगे। हमने एड्रेस को कॉपी कर लिया, हम वापस से अपना कॉइन बाजार ओपन करेंगे। कॉइन बाजार हमने ओपन किया, कॉइन बाजार में हम अपने वॉलेट पे जाएंगे। वॉलेट पे जाने के बाद हमको MTG के पास में सामने देखिए दिख रहा है डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन। हम यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद हमको सबसे पहले नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे BP20 ये स्मार्ट चेन नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। अब जो एड्रेस हमने साइट से कॉपी किया था उस एड्रेस को हमको यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस में पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जितने कॉइन आप भेजना चाहते हैं, आपके पास जितने भी कॉइन होंगे वहाँ पर दिखा रहा होगा, उस कॉइन की संख्या डालेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर 106 कॉइन भेजते हैं, तो हम यहाँ पर 106 कॉइन हमने डाल दिया। साथ में यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि मैक्सिमम आप 100,000 कॉइन भेज सकते हैं और मिनिमम आप 50 कॉइन भेज सकते हैं। 4 कॉइन फीस के रूप में आपका कटेगा, तो कंपनी को प्राप्त होगा 102 कॉइन। नीचे OTP का ऑप्शन है, OTP में आपके सामने सेंड OTP है। अगर आप सेंड OTP के बटन पर दबाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, मेल पे आपके OTP एक जाएगा, उस OTP को आप वहाँ से लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप OTP पेस्ट करेंगे, आप यहाँ पे विड्रॉ के बटन पे क्लिक कर देंगे। विड्रॉ बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास वापस से एक मेल जाएगी, उस मेल को आपको कंफर्म करना है। आपको वहाँ पर एक मेल जाएगा कंफर्म करने के लिए, यानी आपका विड्रॉ कंप्लीट नहीं हुआ होगा जब आप यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। उसके लिए आपको मेल पे एक बार जाना होगा, ठीक है। तो वहाँ मेल पे जाके आप कंफर्म के बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका विड्रॉ सक्सेसफुल हो जाएगा। वापस से आपको बैक करना है यहाँ पर, यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। जब आपका विड्रॉ सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको वापस से वॉलेट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए ऑप्शन दिख रहा है डिपॉजिट और विड्रॉ हिस्ट्री का, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमको विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार से कॉइन का दिखेगा, जैसे क्रिप्टो जहाँ लिखा है सामने, क्रिप्टो का मतलब कि कॉइन और फिएट का मतलब कि INR, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी कॉइन होगा
उस कॉइन के जो भी डेट वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये 1 दिसंबर का दिख रहा है, तो इससे आपका जो भी डेट होगा उस डेट में आपको वहाँ पर दिखेगा कि कंप्लीट। कंप्लीट के सामने आपको ट्रांजेक्शन आईडी मेंशन होगी, आपको उस पर क्लिक करना है तो ट्रांजेक्शन आईडी आपकी कॉपी हो जाएगी। नीचे देखिए लिखा है टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, साथ में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। हम ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब हमको ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी करने के बाद वापस से अपनी वेबसाइट पर आना, एमटीजी गोल्ड वाली। यहाँ पर आने के बाद हमने कितने कॉइन भेजे थे, 106 भेजे थे, जिसमें से ये 2 कट गए थे और 4 कट गए थे। यहाँ पर हमको 102 प्राप्त हुआ था, तो हम यहाँ पर 102 कॉइन डालेंगे। साथ में जो ट्रांजेक्शन है हमको प्राप्त हुआ है, जो हमने कॉपी करा है, उसको पेस्ट कर देंगे। चूज फाइल में जो स्क्रीनशॉट हमको मिला है हम उसको यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। चूज फाइल में आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट देखिए ये है, स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद ये रिक्वेस्ट हमारी लग जाएगी, और रिक्वेस्ट लगने के बाद कुछ ही देर बाद हमारे वॉलेट में पैसा आ जाएगा, यानी एमटीजी कॉइन आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि आपका एमटीजी वॉलेट में आया कि नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर जब से ऊपर जाना है और यहाँ पर होम पे जाना है। देखिए इस प्रकार से आप होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद यहाँ पे आप जब इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे से तीसरा ऑप्शन है ई वॉलेट। ई वॉलेट के सामने एक छोटा सा आइकॉन बना है जो एरो वाला, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो रिफ्रेश होगा और वापस से आप जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है। तो आपने जितना एमटीजी ऐड किया होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ई वॉलेट में शो करने लगेगा। ई वॉलेट में शो करने का मतलब है ये ई वॉलेट आपका ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में एमटीजी को रखते हैं, यानी कि इसी प्रकार से आप कंपनी में एमटीजी को अपने वॉलेट में सिर्फ रख रखे हैं, ये स्टेकिंग नहीं है। स्टेकिंग वाला अगर देखना है तो कहाँ देखेंगे, वो देखेंगे बेस रिवार्ड में। जितने भी आपके पॉइंट स्टेकिंग होंगे वो आप जैसे बेस रिवार्ड वाले को क्लिक करेंगे नीचे, इसको हम जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेस रिवार्ड में आपको स्टेकिंग वाले दिखाएगा। उसके बाद अगर ई वॉलेट में आ गया तो हमको स्टेकिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको वापस से मेन्यू पर जाना है, यहाँ पर डिजिटल अर्निंग पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन दिखेगा एमटीजी ज्वाइनिंग ऑब्लिक अपग्रेड का, हमको ज्वाइनिंग ऑब्लिक अपग्रेड पर क्लिक कर देना है। देखिए तो इस प्रकार से विंडो खुल जाएगी। जितने भी कॉइन आपके ई वॉलेट में होंगे, ई वॉलेट में मान लीजिए 104 कॉइन, मैंने अभी बताया था कि हमने 110 कॉइन को ऐड किया, 4 फीस कटी, 106 कॉइन हमने ऐड किए, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे ई वॉलेट में 106 कॉइन है, तो हमको यहाँ पर 106 को पूरे को करना, तो हम यहाँ पे 106 को मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने 106 डाल दिया, साथ में जिस आईडी को हमको करना है उस आईडी को हम डालेंगे। आप चाहे तो अपने वॉलेट में लेके अपने डाउनलाइन में अगर कोई आईडी है उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो भी आईडी करनी है, मान लीजिए सेम आईडी को करना है तो हम सेम आईडी डाल देंगे। जैसे ही आईडी डालेंगे यहाँ पर वो नाम भी आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे नाम आ गया। उसके बाद ब्रांच में अगर आपको अपनी ब्रांच पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर लखनऊ टाइप कर सकते हैं। आप जैसे ही लखनऊ टाइप करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाएगा, तो इसको सर्च वाले को हमको टच करना है, ऐसे भर जाएगा। उसके बाद स्टेकिंग फॉर मंथ, कितने मंथ के लिए आपको स्टेकिंग करना है, 15, 30, 45, 60, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको जितने मंथ के लिए भी करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही नीचे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला है ई वॉलेट, उसके नीचे देखिए एक्सचेंज। अब इसको समझिए क्या है, ई वॉलेट का मतलब हो गया कि अगर आपने ई वॉलेट में ऑलरेडी ऐड करा था तो हमको अब ई वॉलेट में सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारा जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है जो इस आईडी पे है, उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को हम डाल के यहाँ पे कर देंगे, हमारा ई वॉलेट से उतना बैलेंस कट जाएगा और हमारी आईडी अपग्रेड हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। अगर आपने ई वॉलेट में नहीं ऐड कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे एक्सचेंज वाले पे जाना है और हमको पे के बटन को दबाना है एक्सचेंज वाले पे। जैसे हम पे के बटन को दबाएंगे तो सेम प्रक्रिया वही वाली आ गई जिस प्रकार से हम ई वॉलेट में ऐड करते थे। तो इसमें भी हम सेम ही तरीके से, यानी जैसे हमने स्टेकिंग के लिए भेजा हुआ था कंपनी के सेम एड्रेस सेम है वहाँ पर और यहाँ पर भी, तो जो ट्रांजेक्शन आईडी हमने ऐड एमटीजी टू वॉलेट बैलेंस करते वक्त डाली थी, जहाँ पर डाली थी, तो हम वहाँ पर ना डाल के सीधे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो ऐसा करने पर जो एक्सचेंज के द्वारा सीधे आपने ट्रांजेक्शन प्राप्त किया था उसके द्वारा आपकी आईडी स्टेकिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वॉलेट में ऐड करना है तो आप वॉलेट में ऐड करके कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं।
वॉलेट में ऐड करने का फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए आपने एक साथ वॉलेट में 1000 कॉइन मंगा लिया, आप अपने नीचे 100-100 के 10 लोगों को करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे उसको यूज़ करके कर सकते हैं। एक साथ करने का है कि अगर आपने 1000 वॉलेट से सीधे भेजा, अगर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी डालेंगे तो सीधे वो 1000 कॉइन आपका एक टाइम में स्टेक हो जाएगा, आप उसको टुकड़ों में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है आपकी आईडी अपग्रेड होने की, तो आप इस प्रकार से अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए, अगर आपको जो मंथली पे आउट आता है वो आप किस प्रकार से देख सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर मेन्यू पे, डिजिटल अर्निंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको शो पे आउट का ऑप्शन दिखेगा, शो पे आउट पर जो भी हमारा मैचिंग वगैरह बनती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी भी हमारी टीम की मैचिंग बनती है अगर हमने अपनी टीम को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मंथली आता है, मंथली के लिए हमको मेन मेन्यू पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद सबसे नीचे हमको जाना है पे आउट वॉलेट का ऑप्शन, जो पे आउट वॉलेट का ऑप्शन है इस पर जाना है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे एरो पे, देखिए अभी तो मैंने बताया आपको कि मैं डेमो आईडी आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे 00 दिखा रहा है, तो आपका हर मंथ जितना भी पे आउट आएगा वो यहाँ पर शो करेगा, जितना भी अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं और एक्सचेंज पे ले जा सकते हैं, जिसमें से जब विड्रॉ आप करेंगे तो वहाँ पे आपको 10 NTG मिनिमम छोड़ना होता है, ठीक है, और बाकी का विड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो पे आउट वॉलेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ई वॉलेट में, और अगर आपने ई वॉलेट में MTG को ट्रांसफ़र कर लिया है तो आप उसको दोबारा एक्सचेंज पर नहीं ले जा सकते, सिर्फ और सिर्फ उससे अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी आईडी पे स्टेकिंग कर सकते हैं, या फिर अपनी डाउनलाइन में किसी भी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, या अपनी डाउनलाइन या अपलाइन में किसी को भी MTG ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप बहुत ईजी तरीके से MTG को स्टेकिंग कर सकते हैं, और आप अपनी डाउनलाइन में भी सबको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दें। धन्यवाद साथियों।